चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से मिल रही है, जहां रांची रेलवे स्टेशन रूट के ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें आपको कि लोगों में गुस्सा है, जो ड्राइवर है उनमें गुस्सा है कि उनका कहना है कि बेवजह धरपकड़ की जाती है उनके साथ, और इसी के खिलाफ में वो हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिस पर मनमानी का आरोप भी लगाया है ऑटो चालकों ने, और ऑटो नहीं चलने से जाहिर सी बात है कि किसी भी शहर की लाइफलाइन मानी जाती है ऑटो, और फिर राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, लोगों को दफ्तर जाना, स्कूल जाना है, और इस दौरान ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त राजधानी रांची से, जहां ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं, और उनके हड़ताल पर चले जाने की वजह से लोगों में काफी आक्रोश भी होगा, परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें। तो सनी शारद इस वक्त जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर। सनी, क्यों गुस्सा है लोगों में, ऑटो चालकों में, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा की और वो हड़ताल पर चले भी गए? देखिए, रांची रेलवे स्टेशन से जितने भी पेट्रोल ऑटो चलते हैं वो सारे उसके ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। रश्मि, करीब 300 से अधिक ऑटो हर दिन रांची रेलवे स्टेशन से शहर के विभिन्न हिस्सों में जाती है, वो सारे हड़ताल पर चले गए, जिससे यात्री काफी परेशान है। इनके हड़ताल पर जाने का सबसे प्रमुख कारण है कि अभी राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है बिना परमिट वाले ऑटो, और फिर वैसे ऑटो जो शहर में प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन ऑटो चालकों का आरोप है कि इसके आड़ में पुलिस अवैध वसूली कर रही है। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है उसे भी परेशान किया जा रहा है, ऑटो जब्त कर थाने ले जाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ऑटो चालक रेलवे स्टेशन के पास पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नारेबाजी की, पर उन्होंने घोषणा किया कि आज रेलवे स्टेशन से एक भी ऑटो नहीं चलेंगे। यात्री परेशान है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इनका हड़ताल जो है समाप्त हो पाता है। रश्मि जी, बिल्कुल। तो ऑटो चालकों में नाराजगी है पुलिस के मनमाने रवैये को लेकर, और इस वजह से वो हड़ताल पर चले गए, राहगीरों को परेशानी हो रही है। इन तमाम जानकारी के लिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।